ब्रह्मा ने सोचा कि हाँ ये करना चाहिए। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और उसके बाद ब्रह्मा ने सोचा कि मैं महादेवी से प्रार्थना करूं। शिव के भीतर जो करुणा भरी है उस करुणा को पुकारा, उसको याद किया। विद्या विद्यात्मिकां शुद्धं परब्रह्म स्वरूपिणीं स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं दुर्गां शम्भुप्रियां सदा। दुर्गा को प्रकट किया। जब शिव की कृपा शक्ति की आराधना की और माँ की आराधना सबसे सरल आराधना होती है, जब देवी करुणा पूर्वक प्रकट हुई तो ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि मेरे पुत्र के यहाँ आप कन्या बनकर के पधारो और शिव को मोहित करो। जगदम्बा ने भी कह दिया पहले तो कि शिव को मोहित करना संभव नहीं है, आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निज स्वरूप में मोहित है। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया कि उनका निज स्वरूप, उनका आत्मस्वरूप, उनकी आत्मशक्ति आप ही तो है। यदि आप प्रकट हो जाती है, महादेव केवल आपसे ही प्रभावित होंगे और आपने महादेव को अपनाया, महादेव ने आपको अपनाया, तो संसार में ये मार्ग भी एक प्रशस्त हो जाएगा कि गृहस्थाश्रम में भी कोई जीवन मुक्त आत्माएं हो सकती है। ऐसा नहीं कि जीवन मुक्त केवल जंगल में रहने वाला ही हो सकता है। तो हर कोई अपना स्वधर्म छोड़ छोड़ कर जंगल में जाना चाहेंगे, लेकिन गृहस्थाश्रम में भी शिव की आराधना करते करते, शिव को बजते बजते, शिव का चिंतन ध्यान करते हुए गृहस्थाश्रम में भी यदि किसी ने अपने शिवत्व को प्रकट कर लिया तो वो भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये भी एक मार्ग सृष्टि में तो प्रशस्त करना चाहिए।